ऐसा जानकारी है कि एएमयू के एक स्टूडेंट के बारे में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि उन्होंने 5 तारीख को हिजबुल मुजाहिदीन जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्वाइन किया है। इसी संबंध में हम मजिस्ट्रेट के साथ, हमारे जो प्रोक्टर साहब हैं यहाँ एएमयू के उनके साथ, हमारी स्टूडेंट यूनियन के जो अध्यक्ष हैं एएमयू के उनके साथ हम लोगों ने उनके कमरे की तलाशी ली है। जो लेट डाउन प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए उसकी वीडियोग्राफी कराई है। उसमें जो लिटरेचर हमें मिला है हमने उसको मजिस्ट्रेट के सामने इन्वेंट्री बना के उसको सील कराया है और जाके हम उसे देखेंगे। हॉस्टल में प्राप्त सूचना के अनुसार 2 तारीख तक मन्नान वानी ने यहाँ अपने अटेंडेंस रजिस्टर पर सिग्नेचर किए हैं। 2 तारीख के बाद से वो हॉस्टल में या कैंपस में नहीं दिखाई दी। इतनी बेसिक सूचना यहाँ आने पर जानकारी हुई है। बाकी जो उनके कमरे से जो सामान, जो लिटरेचर बरामद हुआ है, जो हम सील करा के लिए जा रहे हैं, हम उसकी स्टडी करेंगे और अगर दूसरी कोई एजेंसी या जम्मू कश्मीर से पुलिस आती है तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। जो भी हमें यहाँ से मिला है या उसके बारे में जो भी हमें जानकारी हुई है, एएमयू में इन चीज़ों पे ज़ीरो टॉलरेंस है। हम लोग इन चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी किसी भी तरह से अगर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में या किसी भी तरह की नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पे जिस पे ख़तरा हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर कोई भी इन्वॉल्व है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि अभी टिल फर्दर इंक्वायरी जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है और इंक्वायरी चल रही है और हम लोग पूरा कॉपरेट कर रहे हैं इंक्वायरी में। जो चीज़ें हैं वो साफ साफ तौर पर आनी चाहिए, क्योंकि 2 तारीख तक मन्नान वानी यहाँ कैंपस में पाए गए और 2 तारीख के बाद से उनका कुछ पता नहीं है। और ये न्यूज़ तब आई जब मिसिंग रिपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे उनके घर वालों ने रिपोर्ट किया था। एएमयू ने उस लड़के को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सस्पेंड कर दिया है टिल फर्दर इंक्वायरी। और एएमयू इस वक्त जा रही है कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इंक्वायरी कमेटी उसके ऊपर और डिपार्टमेंट के हेड कर रहे हैं इंक्वायरी और फिर वो साहब करेंगे कि वो यहाँ से कब हाल में से गायब हुआ है और डिपार्टमेंट से 2 तारीख तक उसने साइन किए हैं। तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर उसके ऊपर एक्शन ले चुके हैं और जो भी इस किस्म का लड़का हमारी यूनिवर्सिटी में है नहीं, अगर है आएगा तो उसके ऊपर एक्शन होगा। देशद्रोह के कोई भी किसी चीज़ में हमारी यूनिवर्सिटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बिल्कुल अभी तक। अगर कोई ऐसी खबर है तो हमारे संज्ञान में नहीं है, अगर आएगी 100% एक्शन होगा। वाइस चांसलर साहब पहले कल रात में भी कह चुके हैं और इस सुबह भी मीटिंग में ये कहा, बीमार हैं वो, इस वजह से उन्होंने कहा कि आप एक्शन ले लिए। मैंने एक्शन ले लिया है उस लड़के के खिलाफ और वो सस्पेंड हो चुका।